हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है सुबह के ब्रीफ के साथ। जैसा कि कल हमने बताया था कि मार्केट बहुत नीचे था, वो सिलसिला अभी भी जारी है। पूरी रेड स्ट्रीट अगेन हुई पड़ी है। यूएस मार्केट थोड़ा सा ऊपर था लेकिन इंडियन मार्केट उसके अपोजिट काम कर रहा है। अभी निफ्टी 8788 पॉइंट तक आ चुकी है, 155 पॉइंट नीचे हैं। बीएससी भी 467 पॉइंट, सेंसेक्स की अगर बात करें तो 467 पॉइंट सेंसेक्स भी डाउन है, यानी स्टिल नीचे जाने का सिलसिला जारी है और ये पता नहीं कहाँ रुकने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 28,000 तक जाएगा और निफ्टी 7,500 तक जा सकता है जो उसका नेक्स्ट स्टॉप हो। तो देखते हैं कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट का क्या क्या असर है। खैर आगे बढ़ते हैं। S&P ने इंडियन ग्रोथ को मिनिमाइज कर दिया, उन्होंने 5.2 कर दिया 2020 के लिए, और S&P ने ही एशिया ग्रोथ को लेस देन 3%, एशिया पैसिफिक को 3% की रेटिंग के नीचे रखा है कि जो ग्रोथ अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया में एयर एविएशन की हालत बहुत ही ख़राब है, हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पैकेज की घोषणा कर सकती है। फिलहाल गो एयर ने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दिए हैं नेक्स्ट वन मंथ के लिए। मैरियट ने भी लगभग 10,000 लोगों को विदाउट सैलरी को होने के लिए बोल दिया है। इसमें ही अगर यूएस की हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट ने फेड ने फिर से $850 बिलियन की ये पेशकश की है कि वो उसके लिए कमर्शियल पेपर लेके आएंगे, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और जो वहाँ पे बिजनेसमैन है उनको लोएस्ट रेट पे सपोर्ट किया जाए। साथ के साथ ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट किया, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल जो कि कनेक्टेड एरिया में है, जहाँ पे भी सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पे हर अमेरिकन सिटीजन को $1,000 की मदद दी जा सकती है, जिसका कि इम्पैक्ट यूएस को जो रिजर्व है 1.2 ट्रिलियन का होगा। यानी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में पंप किया जाए ताकि जो गिरावट देखी जा रही है इकोनॉमी में उसको बूस्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एविएशन की बात करें तो बोइंग की भी हालत ख़राब है, उसने भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा है, अदरवाइज वो बैंकक्रप्ट के लिए कह रहे हैं कि हम बहुत तरह के शटडाउन के प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। वॉक्सवैगन जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने यूरोप में अपना प्लांट कैंसिल कर दिया, उन्होंने वहाँ पे शटडाउन कर दिया है, कोई भी किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में स्टिल कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने पहला कोरोना का जो वैक्सीनेशन था उसका ह्यूमन ट्रायल ऑन हो गया है और कल उसका पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ है। हो सकता है कि जो कल इसकी अनाउंसमेंट के बाद ही मार्केट में जो ग्रीन थोड़ी सी दिखी थी वो इसी का रीजन हो सकता है, क्योंकि कोरोना के जो पैनिक थे उसमें थोड़ी सी मिनिमाइज बात की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो शाम तक जिस तरह की खबर होगी मार्केट का हम वो लेके आएंगे और आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।